हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दिख रहा है ना क्या बिखेर रखा है अलका ने आज। तो आज अलका की रसोई में बन रहे हैं पंडोल, पंडोल की सब्जी। ये सब्जी आपने देखी होगी, जो भी सब्जी लेते हैं आप लोग इसे क्या बोलते हैं ज़रूर बताएं। तो ये है लंबे लंबे पंडोल। मैंने बनाना शुरू कर दिया था, फिर अचानक ध्यान आया कि नई सब्जी बनानी हो तो क्यों ना सबके साथ डिस्कस की जाए। साथ में ले लिया है मैंने प्याज। तो अगर हम इतना छोटा प्याज रखें तो 3 प्याज, लेकिन मेरे पास एक प्याज बड़ा था और एक छोटा, तो मैंने लिया है 1.5 प्याज। ठीक है, तो ये प्याज ले लिया है और साथ में ले लिए हैं लाल टमाटर। टमाटर हैं थोड़े महंगे, लेकिन अब बरसात के मौसम में टमाटर हो रहे हैं सस्ते। ठीक है, अब वो 100-150 वाला टाइम चला गया। तो चलिए, हाँ हाँ टमाटर 200 भी थे। तो ये जो टमाटर हैं इस तरह से हम काट लेंगे और साथ में ही डालेंगे इसमें कुछ हरी मिर्चें। चलिए, तो बना रहे हैं पंडोल की सब्जी। तो इस तरह से ये सब कुछ काट लिया है और अब हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा ग्राइंड। ठीक है, तो चलिए ग्राइंड करते हैं। मैंने चॉपर में डाल दिया है, तो चलिए चलिए जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कर लिए हैं मैंने टमाटर और प्याज को ग्राइंड, बिल्कुल बारीक कर लिया है। और इतना भी बारीक नहीं करना है जैसे हम मिक्सी में मैश कर लेते हैं। भाई ये रेसिपी है मेरी मम्मा की, और मम्मियाँ तो कमाल होती हैं, वो कुछ भी डालें करें और चीज़ बन जाती है बहुत बढ़िया। तो उनकी बनाई हुई सब्जी का स्वाद आज भी हम लोगों के रंग पे रहता है। तो इसी के साथ मैंने ले ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में हमने डाल दिया है ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा, थोड़ा ही ऑयल लगेगा। और ऑयल के साथ साथ जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम देख लेते हैं हमने और क्या करना है। तो हमने ये जो पंडोल हैं उनको कर दिया है छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड, और साथ में मैंने लगा लिया है कट। ठीक है, तो अब ये जो टमाटर, हरी मिर्च और साथ में हमने प्याज ग्राइंड किया है, इसी में हम डाल देंगे हल्दी। ठीक है, तो हमने ये 1.5 चम्मच या थोड़ी सी, है ना, बस ये हल्दी डाल दी, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी क्योंकि हमने हरी भी डाली है, और हम डालेंगे साथ में नमक। भाई हमारे पुराने बुज़ुर्ग ना बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ही जो है सब्जियों का स्वाद बढ़ा देते थे। तो हमने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं मिक्स। ठीक है, तो मुझे दूसरे पैन में निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसी में ही क्या करा है इसको कर लिया है रेडी। ठीक है, तो ये हमारा जो मसाला है वो हो गया है रेडी। बहुत कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो पंडोल हैं इसमें जो बीच में दिख रहे होंगे आप, बीज भी हैं, इसको आप बाहर ना निकालें, ये बहुत स्वाद लगते हैं जब ये बनते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे और ये जो मसाला है उसकी स्टफिंग कर देंगे। जी हाँ, ऐसे करके, और ये इस तरह से जो है वो हमारा मसाला जो है वो इसमें स्टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बस इस तरह से हम बना के सब रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने भर के कर लिए हैं सारे रेडी। तो अब हमारे जो हैं वो पंडोल बनाने के लिए, यानी कि तैयार करने के लिए हो गए हैं रेडी। तो तेल हो रहा है गरम हमारा, लेकिन साथ साथ ही हमने क्या करना है, इन पंडोल्स को हमने फिल कर दिया है। हाँ, थोड़ा सा आप नमक बाद में यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने ले लिया था मटेरियल ज़्यादा और मेरा तो बच भी गया। तो आप जब बनाएं इतनी सब्ज़ी तो उसमें एक ही बड़े प्याज से काम चल जाएगा। ठीक है, तो मेरा तो बच भी गया, लेकिन हम इसको बाद में किसी सब्ज़ी में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से बन के हो गया है रेडी, और ये देखिए हमारा तेल भी हो गया है इसी के साथ तैयार। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, बस इस तरह से जैसे हम करेले डालते हैं ना बन में, ये देखिए इस तरह से डालते हैं।
तो इस तरह करने से आपका जो ऑयल है वो सारी जगह कोट हो जाएगा और इसको हमने ये ढक दिया, ठीक है। तो इस तरह से चलाते जाएंगे और बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं बनने के बाद। बस आप गैस कर देते हैं सिम, क्योंकि ये जो कढ़ाई है वो पूरी तरह से भिगी जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से भिगेंगे और इसको हम ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये बन गई हमारी पंडोल की सब्जी। इसको आप चपाती के साथ और परांठे के साथ बहुत अच्छे से इंजॉय करिए। मैंने बनाई है, मेरे पेरेंट्स ने बनाते हैं थे तो बहुत अच्छी लगती थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आप ज़रूर बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।